नमस्कार दोस्त, मेरा नाम संतन और आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्त, मैं बहुत सारा डेटा का वीडियो बना चुका हूं, जो कि BSNL फ्री डेटा, एयरटेल फ्री डेटा और जियो फ्री डेटा, लेकिन मैं उसमें कोई प्रूफ नहीं दिखाया था और लोगों को डेटा नहीं मिल रहा, तो सब लोग बोल रहे हैं कि ये झूठा वीडियो है, ये इससे कोई डेटा नहीं मिलता है। तो आज मैं आप सभी को प्रूफ के साथ बताऊंगा दोस्त कि डेटा कैसे मिलता है और मिला है या नहीं मिला है, और क्या आप लोग में कमी है, क्यों नहीं आप लोग को डेटा मिल रहा है, ये पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपना डेटा चेक करता हूँ, मैं अपना आप सभी को डेटा चेक करके और आप सभी को दिखा देता हूँ कि मेरा डेटा कितना है और कैसे मिला, वो आज सभी को आपको पूरा बताऊंगा इस वीडियो में। इन तक पूरा बने रहिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर स्क्रीन पर डेटा दिखा रहा है दोस्त, यहाँ पर सेकेंड में डेटा है 2 GB बच रहा है लगभग। तो मैं 2 पर क्लिक कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे डेटा प्लान में तीन डेटा दिखा रहा है, ए बी सी करके दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर ए में 4G 134 MB वैलिडिटी 31/3/2020, मतलब 31 मार्च तक इसका वैलिडिटी है। इसमें हमें 2 GB डेटा मिला था जिसमें 134 MB बच रहा है, और उसके बाद बी में है 4G डेटा बैलेंस 24 MB, इसमें भी हमें 2 GB डेटा मिला था जिसमें और जिसका वैलिडिटी 20/4/2020 तक है, ये 2 हो गया। और तीसरा है 4G बैलेंस 2048 MB था, जिसका फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्त। तो वीडियो लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, इससे डेटा आपको पूरा मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रिप करके डायरेक्टली रूप से डेटा वाला देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, दूसरा आप देखें, और तीसरा है जिसका 4G जिसका लगभग 2 GB डेटा बच रहा है, इसका वैलिडिटी 23/4/2020 तक है। ये डेटा हमें मिला था 24 तारीख को, ये डेटा हमें 24 तारीख को मिला था, जिसका देखिए फर्स्ट वाला ऊपर वाला ए वाला दिख रहा है जिसमें 31/3/2020 है, ये 7 दिन तक का वैलिडिटी था, 24 को मिला था तो 7 दिन। और यहाँ पर 20/4/2020 वाला है, ये 24 दिन का वैलिडिटी था, और ये सी वाला है, ये था वैलिडिटी 28 दिन का। ये तीनों इस प्रकार से हमें डेटा मिला, लेकिन अब ये कैसे मिला, और इससे इसके बाद मैं रिचार्ज वाला हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ कि आपको लगा होगा कि कोई रिचार्ज किया है, रिचार्ज से ये डेटा मिला, तो ऐसा नहीं है, मैं आपको रिचार्ज हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। तो चलिए आप सभी को माई एयरटेल एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ और रिचार्ज हिस्ट्री आप सभी को भी दिखाता हूँ। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसे आपको रिचार्ज हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर में स्लाइड करना है, देख सकते हैं ये सब डेटा यूज किए हैं वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले नीचे जाते हैं और नीचे प्रीवियस ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, और ये सब डेटा मैंने यूज किया है वो दिखा रहा है दोस्त, और नीचे फिर से ट्रांजेक्शन प्रीवियस ट्रांजेक्शन करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके बाद फिर से, क्योंकि बहुत सारा डेटा मैंने यूज कर लिया है तो थोड़ा बहुत पीछे चल गया है, कब रिचार्ज करवाए हैं देख सकते हैं आप। मैंने 24 मार्च 2020 को 49 रुपये का रिचार्ज करवाया, तो 49 रुपये का रिचार्ज करवाया और डेटा उतना शो कर रहा है, इट मीन्स 6 GB हमें डेटा मिला था, वो कैसे आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहला जो ट्रिक है दोस्त कि आपको एयरटेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और दूसरा एयरटेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको साइनअप कर लेना है। जब आप पहले कभी माई एयरटेल एप्लीकेशन में अपना नंबर साइनअप नहीं किए होंगे तो आपको 2 GB डेटा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है एयरटेल टीवी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। एयरटेल टीवी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में जाइएगा, तो सबसे पहला मैं बताया एयरटेल थैंक्स ऐप, देख सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप ये है, इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैंने बताया एयरटेल टीवी एप्लीकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर एयरटेल टीवी देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको, या फिर आप एयरटेल टीवी इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद एयरटेल, यदि आप टीवी
ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है कि आप माई एयरटेल से भी माई एयरटेल एप्लीकेशन से ही एयरटेल टीवी का भी काम चल जाए, इससे ही आपको 4 GB डेटा मिल जाएगा। लेकिन उसका एक ट्रिक है, यहाँ पर आपको दिखा दूँगा। जब तक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं दूसरा ट्रिक बताता हूँ। दूसरा ट्रिक है दोस्त कि आपको चले जाना है डायलर पैड ओपन कर लेना और इसमें आपको टाइप करना 5212, इसे ओके करना है। जैसे दोस्त ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ समय के लिए ये कॉल कनेक्ट रहेगा, उसके बाद ये डिसकनेक्ट हो। देख सकते हैं कॉल कट गया दोस्त और यहाँ पर एक ऊपर में SMS आ गया। अब SMS आया है तो SMS में क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी यू हैव ऑलरेडी availed दिस ऑफर। इसका मतलब ये बता रहा है कि आप इस ऑफर का यूज पहले कर चुके हैं इसीलिए आपको ये डेटा प्लान नहीं मिला है। अब देख सकते हैं मैं पूरे के पूरे 6 GB का आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाया कि कैसे हमें मिला। और उसके बाद आपको देख सकते हैं अभी माई एयरटेल एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब इसको ओपन करना और कैसे करना है कि एयरटेल टीवी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल ना करना पड़े। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, इसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद यहाँ पर अलाउ करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर डालना है दोस्त। देख सकते हैं मैंने नंबर इसे डाल दिया, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करना, उसके बाद देख सकते हैं OTP ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस है दोस्त कि आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है, स्किप कीजिएगा तो आपको एयरटेल टीवी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एयरटेल टीवी को मैनेज के बारे में बता रहा, तो यहाँ पर क्लिक करना है एरो पर क्लिक कीजिएगा तभी आपको एयरटेल टीवी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर स्किप कर देते तो आपको 2 GB डेटा नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा अभी 2 GB बच रहा है। आपको यहाँ पर डेटा बैलेंस भी दिखा दूँ, पर देख सकते हैं हाँ 2 GB डेटा बच रहा है। उसके बाद जो अगला ट्रिक है दोस्त वो आपको फिर से डायलर पैड ओपन करना 5111। इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपको मिलेगा या ना मिलेगा, ये आपका प्रॉब्लम है दोस्त। आप यदि लकी यूजर होते हैं तो इसमें आपको 2 GB डेटा मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको देख सकते हैं कॉल यहां पर कनेक्ट हो गया है। उसके बाद यहां पर कट कर देना। कट करने के बाद एक और मैसेज आ जाएगा ऊपर में, देख सकते हैं अभी नहीं आया है तो कुछ देर रुक जाते हैं। इसमें मैसेज ये आएगा, देख सकते हैं मैं मैसेज पहले वाला दिखाता हूँ, ये मैसेज आया है देख सकते हैं। ये ऐसा इस प्रकार का मैसेज आएगा दोस्त, ये इस नंबर पे डायल करने के बाद ये इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। देख सकते हैं मेरा ये ऑफ़र एप्लीकेबल नहीं है, मेरे लिए ये ऑफ़र नहीं है। देख सकते हैं अभी तुरंत मैसेज आया, इस प्रकार से मैसेज आया। इसमें यदि आप लक्की यूजर होते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 GB डेटा। उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर फैला दिया है कि आप एयरटेल एक्सट्रीम एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। तो एयरटेल एक्सट्रीम एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा दोस्त, एयरटेल एक्सट्रीम देख सकते हैं, ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए बताया जा रहा है कि आपको 1 GB फ्री डेटा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, मैं इसका स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा वो मैं आपको दिखा दूं। देख सकते हैं यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम ऐप ओपन कीजिएगा तो इस प्रकार से आएगा इंटरफेस और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 1 GB पर डे जब आप 249 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो एयरटेल एक्सट्रीम एप्लीकेशन का आपको मेंबरशिप दिया जा रहा है, सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। उसके साथ आपको 1 GB पर डे 28 दिन के लिए वैलिडिटी देगा दोस्त और इसमें कोई डेटा नहीं मिलता है। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें, ये बिल्कुल अफवाह है कि एयरटेल एक्सट्रीम ऐप से डेटा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये अफवाह है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है दोस्त कि एयरटेल विंक देख सकते हैं एयरटेल विंक एप्लीकेशन,
जो कि आप इसे गाना सुन सकते हैं, देख सकते हैं। एयरटेल विंक म्यूजिक एप्लीकेशन, इसे भी कई यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर छोड़ दिया है यूट्यूब पर कि आप इसे इंस्टॉल करके 1 GB डेटा, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इस एप्लीकेशन से भी डेटा नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको और भी कोड बता दूं दोस्त कि ये बहुत ही पुराना कोड है जिससे आपको 10 GB मिल सकता है यदि आपके नंबर पे आप लकी यूजर होंगे तो, जो कि आपको पता होगा 5999555। इस कोड को आप डायल करते हैं तो 4 से 5 सेकंड के लिए कनेक्ट रहेगा और उसके बाद डिसकनेक्ट हो जाएगा। डिसकनेक्ट होने के बाद आपको एक SMS आ जाएगा कि 10 GB आपको डेटा मिला है 10 दिन के लिए। इस कोड का मैं काफ़ी बार यूज कर चुका हूं, तो ये कोड यदि आप लकी यूजर होंगे तो आपको अप्लाई हो जा सकता है। ये कोड ज़्यादातर 2019 में वर्क कर रहा था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोड 2020 में भी वर्क कर रहा है, तो आप इसे एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ट्राई करने में आपको कुछ नहीं जाएगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं इतना आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ दिखाया कि डेटा कैसे मिलता है, और ऐसा कोई भी ट्रिक इसके अलावा नहीं चल रहा जिससे आप फ्री डेटा ले सकते हैं दोस्त। तो आप अपना खुद का टाइम वेस्ट ना करें बहुत सारे वीडियो देख कर। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, तो मैं सबसे पहले अपना टेलीग्राम चैनल पर ही ऑफ़र अपलोड करता हूँ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इंस्टा पर यदि फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इतना ही दोस्त।